देन गाइज स्टार्ट अक्टूबर पे ही हमारे सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि भाई ओप्पो A31 के डिवाइस में कलरेशन का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब तक मिलेगा, कितने कोटाज के साथ आएगा, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, क्या इसका साइज रहेगा, ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ओप्पो के यूजर की तरफ से। तो आज के वीडियो में आपको बताऊँगा भाई ओप्पो A31 के डिवाइस में कलरेशन का अपडेट कब तक प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो की तरफ से। तो यार जैसा कि आपको पता होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको कस्टमर केयर से बात करके बताया था एंड वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास शेयर की गई थी वहाँ पे कस्टमर केयर के थ्रू बताया गया था भाई ओप्पो A31 के डिवाइस में कलर ऑप्शन का अपडेट जल्द ही रोल आउट किया जाएगा ओप्पो की तरफ से, मे बी इफ़ी वीक में या फिर इफ़ी मंथ में। तो यार यहाँ पे कोई कंफर्म या फिर एग्जैक्ट डेट वहाँ पे नहीं बताया गया था कि भाई ओप्पो A31 के डिवाइस में कलर ऑप्शन का अपडेट अब प्रोवाइड किया जाएगा या फिर कब तक प्रोवाइड किया जाएगा। तो भैया जी आज हो चुका है 10 अक्टूबर एंड आपके डिवाइस में कलर ऑप्शन का अपडेट कब तक देखने को मिलने वाला है, ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ओप्पो A31 के यूजर की तरफ से। तो भैया जी यहाँ पे ओप्पो A31 की डिवाइस में एंड यहाँ पे अगर आप थोड़ा अदर फोन के लिए देखेंगे तो जब भी कलर ऑप्शन या फिर एंड्राइड 10 का अपडेट रोल आउट किया जाता है ओप्पो की तरफ से तो भाई वो अपडेट मिड मंथ के प्लस में ही रोल आउट किया जाता है, मतलब आज हो चुका है 10 अक्टूबर। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं भाई 15 अक्टूबर के बाद ही यहाँ पे आपके फ़ोन में बीटा टेस्टिंग देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे एक बात और है भाई ओप्पो की तरफ से जब भी कोई अपडेट रोल आउट किया जाता है या फिर कोई भी कंपनी आप पकड़ सकते हैं तो वहाँ पे भाई जब भी अपडेट कोई रोल आउट किया जाता है स्टार्टिंग में बीटा टेस्टिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन का कलर वर्जन एंड्रॉइड वर्जन सब कुछ चेंज किया जाता है एंड उसके बाद आपके फ़ोन में सबसे पहले बीटा टेस्टिंग होती है, कुछ यूजर्स को अपडेट प्रोवाइड किया जाता है एंड उसमें कुछ बग वगैरह भी देखने को मिलते हैं तो उसका फीडबैक लिया जाता है एंड फीडबैक के थ्रू जो जो बग्स देखने को मिलते हैं वो एक न्यू अपडेट प्रोवाइड किया जाता है सिक्योरिटी पैच का एंड उसी के साथ जो जो बग्स आपके फ़ोन में देखने को मिल रहे हैं वो सभी बग्स को फिक्स किए जाते हैं ओप्पो की तरफ से या फिर रियलमी की तरफ से, जो भी कंपनी अलग अलग तरफ से अपने अपडेट्स को प्रोवाइड करती है। तो भैया जी स्टार्टिंग में आपको 1500 से 2000 कोटाज के बीच में आपको अपडेट देखने को मिल सकता है ओप्पो A31 के डिवाइस में एंड वहीं पे बात करें भाई ओप्पो A31 के डिवाइस में कलर शेवन या फिर एंड्राइड 10 का अपडेट कब तक प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो की तरफ से। तो भैया जी ओप्पो की तरफ अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ओप्पो A31 के डिवाइस में हम कलर शेवन का अपडेट इस तारीख से स्टार्ट करेंगे, बट मे बी ये अपडेट आपको 20 अक्टूबर तक या फिर अप्रॉक्स 20 अक्टूबर आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर के आप बात करेंगे या फिर ओप्पो सपोर्ट जो उनका व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको यही बताया जाएगा भाई आपको इस मंथ में अपडेट देखने को मिल सकता है एंड कोई कंफर्म डेट नहीं बताया जाता। तो भैया जी यहाँ पे आप समझ सकते हैं अप्रॉक्स 20 अक्टूबर तक आपके फ़ोन में इसकी बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो सकती है एंड यहाँ पे भाई ये कोटाज के बारे में बात करें 1500 से 2000 कोटाज कन्फर्म हो गया यहाँ पे इतने फीट के साथ आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम अपडेट देखने को मिल सकता है। जितने भी ओप्पो A31 के यूजर हैं आप प्लीज़ से इस चैनल के साथ एक्टिव रहें, जो भी ओप्पो A31 के रिलेटेड जो भी नई न्यूज आएगी मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पे आकर के बता दूंगा। एंड आप एक बात और है भाई इसकी साइज क्या होने वाले, तो भाई साइज के बारे में अगर बात करें तो अप्रॉक्स यहाँ पे 3 GB के आसपास में होने वाले, क्योंकि अदर फ़ोन का देखेंगे तो यहाँ पे उन अदर फ़ोन का भी साइज ऐसा ही कुछ अप्रॉक्स 3 GB के आसपास या थोड़ा ज़्यादा ही है, तो आप यहाँ पे अप्रॉक्स 3 GB प्लस में समझ सकते हैं। भैया जी ये अपडेट आपको 20 अक्टूबर के बाद 1500 से 2000 कोटाज के बीच में साइज 3 GB के आसपास में, मतलब 3 GB प्लस में ही आप इसका समझ सकते हैं। तो भैया जी यहाँ पे मेरे हिसाब से आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन था सब कुछ सॉल्व हो गया होगा एंड एक बात और है भाई अगर आपकी ओप्पो A31 का डिवाइस है तो भाई वहाँ पे आपको अपने फ़ोन को एकदम लेटेस्ट अपडेट में अपडेटेड रखना होगा, तो प्लीज़ फिर आपने फ़ोन को एकदम लेटेस्ट अपडेट में अपडेट रखिए एंड उसके बाद जब भी इसका रिलेटेड कोई भी न्यूज़ निकल के आएगी मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पे बता दूंगा। फॉर फ्रेंड दैट फिट एंड यार बहुत सारा थैंक्स, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।